Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के कुछ प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स के बारे में। अब इसमें आपके कुछ फोर्ट्स भी आएंगे, इसमें आपकी केव्स भी आएंगी, इसमें आपके टेंपल्स भी आएंगे। अब देखिए, जो ये हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ये आपके स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इंडिया के कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल जो दुनिया में सबसे फेमस है, वह दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसमें से एक ताजमहल भी है। और ये जो ताजमहल है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। ये आपका देखिए, एक तरह से सफेद मार्बल का जो है वो मकबरा है। और इसका जो निर्माण है वो मुगल जो शासक थे शाहजहां, उन्होंने अपनी पत्नी जो थी मुमताज महल उनकी याद में करवाया था। और लगभग 21 साल लगे थे इसके निर्माण में। 1632 से इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुआ था और 1653 में ये बनकर तैयार हुआ था। और अगर हम बात करें उस टाइम पर, लगभग 32 मिलियन जो रुपीज है उसका खर्चा आया था इसके निर्माण में। और ये जो यमुना नदी है उसके किनारे पर स्थित है। ताजमहल का हम बात करते हैं कुतुब मीनार की। तो देखिए, इसकी स्पेलिंग कहीं कहीं पर आपको QUTUB भी दिखाई देगी और कहीं पर QUTB। तो ये कुतुब मीनार जो है ये नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो हाइट है वो लगभग 72.5 मीटर है। और इसका जो निर्माण है कुतुब मीनार का, ये जो आपका कुतुब मीनार जो है, इसकी जो पहली स्टोरी है वो बताया जाता है कि 1199 में इसकी पहली स्टोरी का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुआ था। और ये जो देखिए पूरा जो है, ये एक तरह से विक्ट्री टावर है। और जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसमें ये कुतुब मीनार स्थित है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगला है कोणार्क सन टेम्पल। ये आपका उड़ीसा में स्थित है और बताया जाता है ये जो कोणार्क सन टेम्पल है, इसका जो निर्माण है वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। और ये नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पुरी ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ उड़ीसा में स्थित है। और ये जो टेम्पल है ये एट्रीब्यूटेड है किंग जो नरसिम्हा देव वनते उनको, ये एट्रीब्यूटेड है ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी अबाउट 1250 CE। और ये देखिए, ये जो मंदिर है इसके नाम से पता लगता है जो हिंदू गॉड है सूर्य भगवान जिनको हम बोलते हैं उनको ये डेडिकेटेड है। और इसमें देखिए अलग अलग 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। अगला है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो देखिए, खजुराहो में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें बेसिकली क्या है, ये जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है खजुराहो का, इसमें देखिए जो हिंदू टेम्पल है और जो जैन टेम्पल है वो इसके अंदर स्थित है। वो सारे जो हिंदू और जैन टेम्पल है वो इसमें पाए गए हैं। अब ये देखिए, जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पर ये स्थित है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इनका जो निर्माण है वो बताया जाता है 1885 से लेके 1050 AD के बीच में चंडेला जो डायनेस्टी थी उसमें हुआ था। अगला है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। तो देखिए, हम्पी में देखिए ये कर्नाटका में स्थित है और ये भी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है और ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये एक देखिए पिलग्रिमेज सेंटर है, जो हिंदू रिलीजन है, जो हिंदू धर्म है उनके लिए पिलग्रिमेज सेंटर है। और 14वीं शताब्दी में ये जो हम्पी है ये विजयनगर एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। अगला है अजंता केव्स। अजंता केव्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और ये लगभग बताया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स है। यानी ये मानिए आप, ये बुद्धिस्ट रॉक केव मॉन्यूमेंट्स है जो कि औरंगाबाद में स्थित है। इसमें आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी और इसमें जो एंशियंट इंडिया की आर्ट है, एक्सप्रेसिव पेंटिंग्स हैं, इमोशंस हैं, गेस्चर्स पोस्चर्स जो हैं, फॉर्म्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे अजंता केव्स के अंदर। और इनका जो निर्माण है वो 400 से लेके 650 EC के बीच में हुआ था। वैसे माना जाता है कि इनके दो फेज में इनका निर्माण हुआ था, एक हुआ था 2nd century BC में और सेकंड हुआ था 400 से 650 सी के बीच में। अगला है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स भी आपके औरंगाबाद में स्थित है महाराष्ट्र के और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट मोनेस्ट्री टेम्पल है, केव कॉम्प्लेक्स है वर्ल्ड में। इसमें आपके हिंदू बुद्ध और जैन जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है इनका जो निर्माण है वो लगभग 600 से लेके 1000 सीई के बीच में हुआ था। और इसमें देखिए, ये जो पूरा एरिया है इसमें लगभग 100 से ज्यादा जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, वो यहाँ पर हैं।
अगला है ग्रेट स्तूप ऑफ सांची, यानी सांची स्तूप। ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ये एक सांची जो है ये बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है और इनके जो ग्रेट स्तूप है जो उसके लिए फेमस है। ऑन हिल टू बेट सांची टाउन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपके मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो सांची स्तूप है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रचर्स हैं इंडिया के एंड मोन्यूमेंट्स हैं इंडियन आर्किटेक्चर का। और इनका जो ओरिजिनल जो कमीशनड है वो ये ओरिजिनली कमीशन बाय थे जो एम्परर थे अशोका उनके द्वारा तीसरी शताब्दी 3rd century BC में। अगला है रेड फोर्ट, ये दिल्ली में स्थित है। रेड फोर्ट काफी हिस्टोरिक मोनूमेंट इंडिया में और ये मेन रेजिडेंट हुआ करता था जो मुगल शासक है उनका। और सबसे पहले जो शाहजहां थे उन्होंने कमीशन किया था रेड फोर्ट को और 15 अगस्त 1947 को पहली बार आजाद भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने लाहौरी गेट से यहाँ पर ध्वजारोहण किया था। और तब से लेके हर साल जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो यहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं। अगला है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स भी आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। और इसमें भी क्या है जो टेम्पल्स हैं जो हिंदू गॉड है शिव उनके जो टेम्पल्स हैं उसका ये कलेक्शन है। और इसमें जो केव्स हैं एलिफेंटा की वो रॉक कट स्टोन स्कल्चर हैं जिसमें आपको बुद्धिस्ट जो आइडिया है आइकनोग्राफी है जो हिंदू और बुद्ध की जो बौद्ध धर्म की जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगला है गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट जो है वो हैदराबाद में स्थित है। इसको हम सिंपली गोलकोंडा ही बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं गोलकोंडा फोर्ट भी है। और ये अर्ली कैपिटल थी जो कुतुब शाही डायनेस्टी थी 1512 से 1687 के बीच में उसकी ये अर्ली कैपिटल हुआ करती थी। ये फिलहाल हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है और ये काफी फेमस है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो डायमंड है उनकी माइनिंग हुआ करती थी। कोहिनूर जैसे जो डायमंड्स हैं वो यहीं पर माइनिंग में मिले हैं इसीलिए इनको गोलकोंडा डायमंड्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ये तमिलनाडु में स्थित है और ये भी आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये देखिए कलेक्शन है या बोलें कि ये ग्रुप है चोला डायनेस्टी इरा के। इसमें जो हिंदू टेम्पल्स हैं वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु में स्थित है और उनका जो निर्माण है वो 11 से 12 शताब्दी CE के बीच में हुआ था। इसमें बृहदी विश्वेरा टेम्पल जो है वो आपका देखने को मिलेगा। अगला है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो है वो आगरा उत्तर प्रदेश में ही स्थित है और ये हिस्टोरिकल फोर्ट है। और इसमें जो मुगल डायनेस्टी के जो कुछ शुरुआत के जो एम्परर रहे हैं जो शासक रहे हैं वो यहाँ पर रहते थे 1638 तक। और जब आगरा से दिल्ली जब कैपिटल शिफ्ट हो गई तब वो लोग जाके दिल्ली शिफ्ट हो गए, मतलब यानी जो मुगल शासक थे फिर वो दिल्ली में रहने लगे। जब तक आगरा राजधानी थी तब तक वो यहीं पर जो रेड फोर्ट है इसमें रहते थे। और 1983-1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। अगला है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये राजस्थान में स्थित है और ये इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट है और वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये जो फोर्ट है ये कैपिटल हुआ करता था मेवाड़ जो है उसकी ये कैपिटल हुआ करता था। इसकी जो ये जो स्थित है 180 मीटर जो हिल है उस पर ये स्थित है और लगभग 280 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और बताते हैं कि 7वीं शताब्दी के शुरुआत में जो फोर्ट है वो मेवाड़ किंगडम के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। अगला है चार मीनार। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो 1591 में किया गया था और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। और ये एक लैंडमार्क है, ग्लोबल लैंडमार्क है, यह बोले सिंबल है ये हैदराबाद का। और ये इंडिया की सबसे जो रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में उसमें से एक है। और ये ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड है एज द एम्बलम ऑफ तेलंगाना फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना। और ये जो चार मीनार है ये जो ईस्ट बैंक है मूसी रिवर का वहां पर स्थित है। तो ये थे इंडिया के कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स जो हमने डिस्कस किए। तो देखिए जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो फेमस प्लेसेस होते हैं ये आपके स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो आपके अलग अलग एग्जाम के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनमें कई तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनकी जो कंप्लीट लर्निंग है उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं और आपको 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। उसके साथ साथ एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलती है। तो ये वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100+ एग्जाम। तो ये थे इंडिया के कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।
press the bell icon for all the latest update regarding your exam.